हेलो मेरे दोस्तों, किसी हैं आप सब? नमस्ते, वेलथन समझते। अभी आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर से जरूर आ रहा होगा, होली इवेंट गेम के अंदर आकर के खत्म तो हो चुका है, लेकिन राज भाई हमें ये बता दो गेम में नेक्स्ट बड़ा इवेंट कौन सा आने वाला है। तो ये तुम्हारा समस्या है। तो आप सभी का ये समस्या के या फिर ये क्वेश्चन का आंसर मेरे पास है, रमजान इवेंट। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि जो रमजान इवेंट है इसके अंदर आप लोगों को कौन कौन से फ्री रिवॉर्ड्स मिलने वाले, या फिर क्या आपको कोई भी आइडिया है कि गेम के अंदर ये इवेंट आप लोगों को कब तक देखने के लिए मिलेगा? दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सभी चीजों के बारे में जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को प्लीज शुरू से लेकर के एंड तक देख लेना, कहीं भी इसे स्किप मत करना, ठीक है? स्किप कर लोगे तो आधा जानकारी ले पाओगे। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखते हो तो ही आप लोगों को पूरा जानकारी मिल पाएगा, इवेंट कब से शुरू हो रहा है, कब तक खत्म हो रहा है, और इवेंट के अंदर से हम लोग को कौन कौन से फ्री रिवॉर्ड्स मिलने वाले। चलिए फिर बिना किसी तरीके बिना किसी वक्त पर बात किए शुरू करते अपने आज का वीडियो एंड शुरू करते अपने आज का कार्यक्रम। दोस्तों, वीडियो को हम लोग शुरू करने वाले कल वाले टूर्नेट अपडेट से। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, कल वाले वीडियो में मैंने आप सभी से टूर्नेट अपडेट दिया था कि हमारे गेम के अंदर ये वाला टफ इवेंट हम लोग को देखने के लिए मिलने वाला, जहाँ पे 100 डायमंड के टॉप अप करने पर लूट बॉक्स मिलेगा और 300 के टॉप अप करने पर हम लोगों को यहाँ पर से ग्लोबल स्किन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये टफ इवेंट बिल्कुल सच हो चुका है गेम के अंदर। अगर आपने चेक किया होगा तो यही टफ इवेंट आप लोगों को गेम में देखने के लिए ऑलरेडी मिल चुका है। जी हाँ, और ऐसे टूर्नेट अपडेट्स का मिरेकल आप लोगों को हमारे चैनल के अंदर से अब से रोज देखने के लिए मिलेगा। मतलब रोज टूर्नेट अपडेट तो नहीं आता है, पर जिस दिन भी आएगा कंफर्म आएगा, ठीक है? जो बताऊंगा वही आएगा। खैर, ये तो था टॉप इवेंट जो कि गेम के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमारे रश्मिक राज के छाए के ऊपर हम लोग हमेशा दो कदम आगे का सोचते हैं। इसके अगले वाले टॉप इवेंट के अंदर हम लोगों को क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलने वाले, कितने कितने डायमंड के डब के ऊपर, चलिए अभी से इनके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉप इवेंट के अंदर ये वाला ग्लोबल का स्किन आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है गाइस, जो कि 500 डायमंड के डब के ऊपर लताम सर्वर के अंदर आ रखा है। बाकी ये ग्लोबल बहुत ज्यादा चमकीला है, मतलब साइन करा गया है, ठीक है? क्योंकि गोल्डन गोल्डन इसके ऊपर आप लोगों को टेक्सचर देखने के लिए मिलेगा और टाइगर भी इसके ऊपर बना हुआ है गाइस, ठीक है? तो अगर ये टॉप इवेंट आता है तो अच्छी बात है, वरना तो मैं आप लोगों को टूर्नामेंट अपडेट के अंदर ही कंफर्म बता दूंगा। बाकी अभी के लिए वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गेम में आने वाले नेक्स्ट एनिमेशन के बारे में, क्योंकि आप से बहुत सारे लोग ये कमेंट्स में पूछ रहे हो अपकमिंग अराइवल एनिमेशन क्या आएगा और कब आएगा, ठीक है? पहली बात तो ये है कि मैं आप सभी लोगों का कमेंट्स को बहुत ज्यादा सीरियसली लेता हूं, ठीक है? तो अगर आप लोगों का गेम के अंदर कोई भी डाउट है, कुछ भी आप लोग पूछना चाहते हो गेम के बारे में, तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, सकता है कल वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों का आंसर कर दूं। बाकी इस सवाल का मैं आप लोगों को जवाब दे देना चाहूंगा, गेम के अंदर ऑलरेडी आज या फिर कल सुबह आप लोगों ने देखा होगा एक एनिमेशन आ चुका है। फिर एक पुराना एनिमेशन बचा कुचा हुआ था, ठीक है? तो करना वालों ने सोचा इसको गेम के अंदर जल्दी से जल्दी ला देते हैं। लेकिन अभी सवाल ये आता है कि ये एनिमेशन तो यार खत्म हो जाएगा, 6 दिन के बाद ये गेम के अंदर से चला जाएगा, इसके बाद गेम में कौन सा न्यू एनिमेशन आ रहा है? तो इसके बाद गेम के अंदर बहुत जल्दी आप लोग कुछ इस प्रकार का एनिमेशन गेम में देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका नाम होने वाला है अचीवर्स टेस्ट, ठीक है? ये भी एक पुराना एनिमेशन ही है, गेम के अंदर अभी तक ये आया नहीं था, लेकिन बहुत जल्दी इसको गेम के अंदर डाल दिया जाएगा। लेकिन अब ये भी सवाल उठ के आ सकता है कि हर ओबी अपडेट के अंदर हम लोग को एक ना एक एनिमेशन तो जरूर देखने के लिए मिलता है। तो इस बार अगर ओबी अपडेट आ रहा है, एडवांस सर्वर का लीक्स अगर हम लोग को निकल के हमारे सामने आ चुके हैं, तो क्या हम लोगों को नेक्स्ट एनिमेशन के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है? ऐसे कैसे नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा, क्योंकि अपडेट है हमारे पास, ठीक है? जैसे कि आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार का आप लोगों के यहाँ पे एनिमेशन देखने के लिए मिल रहा है। ये भी अराइवल वाला एनिमेशन नहीं है गाइस, ठीक है? ये ट्रांसफॉर्मर का एनिमेशन है, आप लोग देख सकते हो ये एक ट्रांसफॉर्मर का एनिमेशन है। मतलब इसको अगर आप लोग यूज करते हो तो बंडल आप लोग का चेंज हो जाएगा, हाँ ये बात तो ठीक है। बाकी जो एनिमेशन आपके प्रोफाइल के अंदर भी दिखता है उसको हम लोग अराइवल एनिमेशन बोलते हैं, उसके रिगार्डिंग अभी तक कोई लीक नहीं है, पर मुझे पक्का यकीन है बहुत जल्दी उसके रिगार्डिंग भी लीक निकल के आ जाएगा। बाकी अगर आप लोग ये सारे लीक्स नहीं करना चाहते हो तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे डाल के रखिए, क्योंकि जब भी कोई भी एनिमेशन आता है उसका लिंक मेरे को मिलता है, सबसे पहले मैं आकर के आप लोगों को वीडियो के अंदर दिखा दूंगा, ठीक है? तो अभी से ही बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे डाल के रखिए, न्यूज आप लोग को फटाफट से धड़ाधड़ से मिलता रहेगा, वो भी बड़े आराम से। बाकी अभी हम लोग वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग बात कर लेते हैं हमारे फ्री फायर में आने वाला एक बहुत बड़े इवेंट के बारे में, जो कि बहुत जल्दी भी गेम के अंदर आने वाला है। देखिए इसके ऊपर डेटा मिनट्स क्या कहते हैं। तो नेक्स्ट जो ओबी अपडेट होने वाले OB39 अपडेट, उसका नाम ही होने वाला है रमादान प्याज। मतलब रमादान का इवेंट है, फिर रमजान का इवेंट इतना बड़ा होने वाला है कि एक पूरा का पूरा प्याज अपडेट उसी के नाम से आ रहा है। बाकी मेगा इवेंट होगा, मेन मेगा इवेंट, ठीक है? ये भी आप लोग देख लीजिए, इवेंट का नाम होने वाला है रमादान ब्लेसिंग्स 2023, ठीक है? और ये इसके
लोगो है आप लोग अच्छे से देख सकते हो। बाकी अभी हम लोग एक के बाद एक करके सारे चीजें जान लेते हैं। इन सारे चीजों के अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स है जो कि इस बार 2023 के लिए डिजाइन किए गए हैं, वो भी इस बार के रमजान इवेंट के लिए। जिनमें से सबसे पहले आप लोग लेफ्ट साइड में दो मेल और फीमेल बंडल्स को अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद एक वेक्टर का स्किन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एमिक नीडसवन का स्किन भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। कटाना का स्किन है इधर पे, परांग का स्किन भी है, ग्लूवल भी है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप लोगों को एक इमोट देखने के लिए मिल जाता है गाइस, ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा नीचे और जाते हैं तो हम लोगों को इधर पे देखने के लिए मिलता है टुक टुक का एक स्किन, एक मॉन्स्टर का भी स्किन, ठीक है। धीरे धीरे करके हम लोग स्क्रॉल करते जा रहे हैं, आप लोग अच्छे से देखते रहिए। हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव है, ठीक है। और पुराना वाला इमोट तो आप लोगों ने देखा था, उसके नीचे आप लोगों को और एक नया इमोट, या फिर ये एनिमेशन की तरह लग रहा है ना गाइस। ले हम लोग एनिमेशन को ढूंढते ढूंढते परेशान, और एनिमेशन का लोगो है कि यहाँ पे छिपा हुआ है, तो ये मेरे ख्याल से कि एनिमेशन ही होगा। बाकी इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को कुछ बैकपैक्स दिखने के लिए मिल जाते हैं, सर पे टोपी दिखने के लिए मिल जाते हैं, और एक पेट का स्किन भी यहाँ पे आप लोगों को दिखने के लिए मिल जाते हैं। और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि कोई पुराना आइटम हो गया, ठीक है, यानी कि 2022 की बात कर लीजिए, 21 की बात कर लीजिए, तब के जो रमजान इवेंट था उसके अंदर कोई ऐसा आइटम आया होगा जो कि इस बार भी आप लोगों को गेम में दिखने के लिए मिल जाएगा। आप लोगों ने तो ये चीज अच्छे से नोटिस किया होगा, पुराने चीजों को भी करने वाले कहीं ना कहीं इवेंट के अंदर ला देते हैं, ठीक है। तो इस बार भी ऐसा ही होने वाले, कुछ चीजें नए होंगे जो कि मैंने आप लोगों को अभी भी दिखा दिया, और कुछ चीजें पुराने भी होंगे। बाकी इवेंट्स आना चालू हो चुका है, कोई भी अपडेट नहीं आया है, पर आप लोग देख लीजिए सारे सर्वर्स के अंदर आ गए, ऐसी कोई बात नहीं गाइस, कुल दो सर्वर्स के अंदर ही ये आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। बाकी ऊपर कैलेंडर लिखा हुआ है, नीचे आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे होंगे एक बंडल, ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट में है। बाकी यहाँ पे आप लोगों को इंक्यूबेटर्स के भी वाउचर देखने के लिए मिल जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इवेंट फुल फ्लेज्ड तरीके से आ चुका है, ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके करने वाले इस रमजान इवेंट का ना हिंट दे रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, ये उसी सर्वर का ही है जो आप लोगों ने प्रीवियस लिखा था, लेकिन ये अलग है गाइस, ठीक है, ये अलग जरूर है लेकिन इसके अंदर भी रिवॉर्ड सेम ही है। बाकी इंडिया के लिए भी ऐसा कुछ कर देते, एटलीस्ट एक बंडल तो मिल ही रहा है ना। बाकी आप लोगों को भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है, गेम के अंदर हो सकता है ऐसा भी आप लोगों को एक मिनी इवेंट देखने के लिए मिल जाए जहाँ पे छोटे छोटे रिवॉर्ड्स आप लोगों को फ्री मिलेंगे, और वो रमजान थीम के होगा और इस OB39 अपडेट का थीम का होगा, ठीक है। बाकी अभी इसी इवेंट के ऊपर भी आप लोगों को कोई भी और डाउट है आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है, 100% मैं आप सभी लोगों का रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा अपने कल वाले वीडियो के अंदर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर से आप लोगों को रमजान इवेंट के बारे में तो पता चल चुका होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि नेक्स्ट वेपन वेल के अंदर गेम में न्यू गन स्किन कौन सा आ रहा है? अगर आप लोग जानना चाहते हो तो राइट साइड में वीडियो का लिंक शो हो जाएगा, आप लोग क्लिक कर लेना और अच्छे से देख लेना, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मैं मिलता हूं आप सभी से किसी ना कोई वीडियो में, तब तक के लिए वाई टेक केयर, अच्छे से करते रहो, अपने सारे एनिमीज को मारते रहो।